नमस्कार साथियों, मैं पंकज भारद्वाज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के न्यूज के एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है, हम हर शनिवार रियल एस्टेट से संबंधित जानकारियां और खबरें लेकर आते हैं, जिससे कि आपको घर बैठे बैठे पता चले कि रियल एस्टेट क्षेत्र में क्या क्या नई नई गतिविधि हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के रियल एस्टेट की खबरों को। नोएडा अथॉरिटी हर दिन शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। सड़कों पर दुकान व अवैध तरीके से झुग्गी बस्ती का निर्माण कर चुके लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसके मद्देनजर नोएडा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को सेक्टर 18 स्थित DLF मॉल के नजदीक अवैध अतिक्रमण पर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर कमर्शियल हब की करीब हजारों वर्ग मीटर जमीन पर बनी अवैध नर्सरी और दुकानें चलाई जा रही थी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस कार्रवाई में प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए की जमीन को मुक्त कराया है। उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रोजेक्ट साइट जेवर में विकास कार्यों का अवलोकन किया। मनोज कुमार सिंह के द्वारा टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATS टावर और रनवे के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कंसेशनर मैसर्स ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्लानिंग हेड निकोलस और प्रोजेक्ट हेड दिनेश जामवाल द्वारा IIDC को साइट पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रगति से अवगत कराया गया। नोएडा दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों को आरामदायक सफर के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। शासन स्तर से पैसा नहीं मिलने पर चौथी बार काम बंद किया गया है। यह काम पिछले साल से रुका हुआ है, जिसको एक बार फिर से गति देने के लिए प्रस्तावित 5.96 किलोमीटर चिल्ला एलिवेटेड रोड के बजट का प्रस्ताव यूपी सरकार की कैबिनेट के बीच रखा जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर कैबिनेट नोट तैयार होने की सूचना है। उम्मीद है कि अगली बैठक में इसे रखा जाएगा। ग्रेटर नोएडा में G20 समिट होने वाले हैं। इसके लिए अन्य देशों से शहर में लोगों का आना जाना होगा। नोएडा के रास्ते ही डेलीगेशन ग्रेटर नोएडा जाएंगे। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण शहर को बेहतरीन लाइटों से सजाने का काम करने जा रहा है। शहर में G20 समिट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सेक्टर 14A चिल्ला बॉर्डर पर नया नोएडा गेट जल्द ही बनता हुआ नजर आएगा। इसका डिजाइन बदलने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने काम शुरू करवा दिया है। ग्रेटर नोएडा के किसान कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बुधवार 31 मई को किसानों के इस प्रदर्शन को 37 दिन हो गए हैं। बुधवार को स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने किसानों को बुलाया और उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने अपने मुद्दों का ज्ञापन सौंपकर हल कराने की मांग डॉक्टर महेश शर्मा से की। सांसद ने चेयरमैन मनोज कुमार सिंह से फोन पर बातचीत की और किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कहा। साथ ही आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और किसानों की समस्याओं का हल निकलवाने की कोशिश करेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की विगत भूखंड योजना के जिन सफल आवंटियों ने आवंटन धनराशि जमा नहीं की है, उनके अलॉटमेंट जल्द रद्द होंगे। इसके साथ ही 50 बड़े बकायेदारों के अलॉटमेंट भी शीघ्र कैंसिल किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की CEO ऋतु महेश्वरी ने गुरुवार को आवासीय संपत्ति विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। ग्रेटर नोएडा में घर चाहने वालों के लिए जल्द ही फ्लैटों की स्कीम लॉन्च की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसी साल जनवरी में आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च की थी। 156 सफल अलॉटियों को 21 अप्रैल को अलॉटमेंट पत्र जारी किए गए थे। सेक्टर 74 में स्थित सुपरटेक कैपटाउन हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों के लिए अच्छी खबर है। सोसाइटी के निवासियों ने मल्टी पॉइंट कनेक्शन का विरोध किया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने अब सोसाइटी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन लगाने पर रोक लगा दी है। इस तरीके से निवासियों को फायदा हुआ है तो दूसरी तरफ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को झटका लगा है। आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मिले लक्ष्य को अमली जामा पहनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की CEO ऋतु महेश्वरी के निर्देश पर 4 FAR फ्लोर एरिया रेशियो वाले 22 कमर्शियल प्रोजेक्ट की योजना लॉन्च कर दी गई है। इस बार प्राधिकरण ने निवेशकों को भूखंड की कीमत का एक मुश्त भुगतान के साथ ही छमाही किस्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया है। भूखंड अलॉटमेंट के पश्चात आवंटी बैंक गारंटी के बिना ही अगले 3 साल में 6 किस्तों में भुगतान कर सकेंगे।
अगर ये सभी भूखंड अलॉट हो गए तो ग्रेटर नोएडा में शीघ्र ही 22 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बन सकेंगे। ग्रेटर नोएडा वासियों को रोजमर्रा की जरूरतों के सामान खरीदने में और सुविधा हो जाएगी। रिजर्व प्राइस पर इन 22 भूखंडों की कीमत 1100 करोड़ रुपए से अधिक है। IAS मोनिका रानी के जाने के बाद यमुना विकास प्राधिकरण में ACO का पद खाली हो गया था, जो अब भर गया है। यमुना विकास प्राधिकरण को नया ACO मिल गया है। यूपी में तेज तर्रार अधिकारी IAS कपिल सिंह को योगी सरकार ने यमुना अथॉरिटी का नया ACO बनाया है। ACO कपिल सिंह ने यमुना अथॉरिटी में चार्ज संभाल लिया है। कपिल सिंह 2015 बैच के IAS अफसर हैं। वह मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी शिक्षा दिल्ली में ही हुई है और यमुना अथॉरिटी में नियुक्त होने से पहले दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली में GST विभाग और उत्तराखंड में राज्य पोषण मिशन विभाग में सेवाएं दे चुके हैं। नए नोएडा में लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग उद्योग का हब बनाया जाएगा। DMIC परियोजना और हीरा पहले से ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित कर रहे हैं। इस उद्योग के लिए सड़क, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी यहाँ पहले से ही मौजूद है। इससे न केवल यहाँ निवेश आएगा बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। फ्लैट रजिस्ट्री के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश का असर दिखना शुरू हो गया है। तीनों प्राधिकरण से लगभग 7000 फ्लैट का पूर्णतया प्रमाण पत्र यानी CC और अधिभोग प्रमाण पत्र यानी OC जारी हो चुका है। इसके बावजूद रजिस्ट्री कराने के लिए बिल्डरों की ओर से कोई कदम नहीं बढ़ाया जा रहा है। फ्लैट की रजिस्ट्री से 3 अरब का राजस्व प्राप्त होना है। ऐसे फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। DM मनीष कुमार वर्मा ने निबंधन विभाग को फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने का आदेश दे दिया है। प्राधिकरण व निबंधन विभाग ने बिल्डरों से वार्ता कर रजिस्ट्री कराने के लिए कमर कस ली है। रजिस्ट्री न कराने वाले बिल्डरों पर जिला प्रशासन स्टाम्प चोरी का मुकदमा दर्ज कराएगा। पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट के निवासियों ने अपनी मांगों को लेकर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बिल्डर की मनमानी के खिलाफ निवासियों में भारी रोष है। इस प्रदर्शन में करीब सोसाइटी के 200 लोगों ने हिस्सा लिया। निवासियों का कहना है कि एक समस्या हो तो गिनाई जाए, सोसाइटी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कॉमन एरिया में अतिक्रमण हो चुका है। बिजली और पानी की किल्लत लगातार बरकरार है। सोसाइटी में सीवेज की समस्या का अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है। सोसाइटी के निवासी महंगी बिजली से भी परेशान हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय ने ओमैक्स ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों समेत 6 निदेशकों के खिलाफ 3 FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इन पर दुकानें बेचने के नाम पर धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और जालसाजी करने के आरोप हैं। अदालत ने 3 अलग अलग मामलों में सुनवाई करने के बाद पुलिस को FIR दर्ज करके जांच करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट भी मांगी है। यूपी इन्वेस्टर समिट में आए निवेशकों के 21 प्रोजेक्ट को GDA की मंजूरी मिल गई है। प्राधिकरण ने इन प्रोजेक्ट के मानचित्र स्वीकृत कर दिए हैं। अब इन प्रोजेक्टों को धरातल पर उतारने की तैयारी है। इस वर्ष लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। फरवरी महीने में हुए इन्वेस्टर समिट में पेश किए गए 21 प्रोजेक्ट के नक्शे प्राधिकरण ने स्वीकृत कर दिए हैं। इन प्रोजेक्ट से जिले में 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने सिद्धार्थ बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड के 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए 800 से अधिक खरीदारों को मकान मिलने का रास्ता साफ कर दिया है। NCLT ने खरीदारों को मकान दिलाने के लिए एक परियोजना निगरानी समिति का गठन किया है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की निगरानी करेंगे। वहीं कंपनी के प्रमोटर सिद्धार्थ चौहान ने आवासीय परियोजना सिद्धार्थ NCR1 ग्रीन्स के खरीदारों को 6 माह और सिद्धार्थ एस्टेलिया के खरीदारों को 12 महीने के अंदर मकानों पर कब्जा देने की प्रतिबद्धता जताई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रहेजा बिल्डर को खरीदार को फ्लैट की राशि लौटाने का आदेश दिया है। बिल्डर को खरीदार की ओर से दिए गए कुल रकम और उस पर 9% ब्याज को लगाकर देना है। आरोप है कि प्रोजेक्ट निर्माण में देरी और खरीदार से पैसा ले लिया गया। खरीदार ने NCDRC में याचिका लगाई,
जिसकी सुनवाई करते हुए एनसीडीआरसी ने बिल्डर को 2 महीने में पैसा लौटाने के आदेश दिए। एनसीडीआरसी के न्यायमूर्ति राम सूरत राम मौर्य सदस्य डॉक्टर एनजी सिंह की पीठ ने एक आदेश में कहा कि विपरीत पक्ष रहेगा डेवलपर्स ने 3 मई 2017 को एक पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ताओं के फ्लैट का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया था जो कि अवैध है। इसी के साथ आज का न्यूज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको हमारे न्यूज के एपिसोड पसंद आते होंगे, खबरें आपके काम की होंगी। अगर कुछ आपके कमेंट्स है, सुझाव हैं तो हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत